जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। रेलवे ग्रुप डी में कितने रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र फाइट करेंगे, वो 100% सही जो डाटा है, एग्जैक्ट डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल एनालिसिस वीडियो है दोस्तों, जिसमें आपको एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया में टोटल कितने रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र इस बार ग्रुप डी में फाइट करने वाले हैं, वैकेंसी कितनी भी आए, कैंडिडेट की संख्या इतनी ही रहने वाली है। तो पूरा एनालिसिस हो चुका है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और 100% श्योर हो जाइए कि इतने ही कैंडिडेट्स आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप के छात्र होने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है इस पर एनालिसिस करने के बाद, काफी समय व्यतीत करने के बाद ये जो है डाटा मिला है और ये एग्जैक्ट डेटा वही है, ठीक है। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए या आईटीआई छात्रों के लिए हर एक अपडेट आपको चैनल माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। और भी कई सारी भर्ती आई हुई हैं, और अनिल सर आईटीआई चैनल पर जाइएगा, वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर कई सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्नीशियन का फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुका है। बिहार बिजली विभाग का कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, सभी चेकआउट कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कई सारी एग्जाम के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। सभी कोर्सेज पर 90% ऑफ है, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। चलिए हम बात करते हैं आपकी डेटा है कि देखिए 1 सितंबर को एनएसडीसी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो जिसके अंदर आईटीआई सीआईटीएस और अप्रेंटिसशिप आता है दोस्तों, उसको आरटीआई किया गया था, ठीक है। इसमें सवाल यही पूछा गया था कि 2018 से लेकर के 2024 तक तो टोटल कितने अप्रेंटिसशिप छात्र हैं। ऋतिक कुमार यादव जी का धन्यवाद करिए कि इन्होंने पूरा डाटा मंगाया है, और देखिएगा तो आपको रिप्लाई आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसकी भी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, पूरा रिपोर्ट है इसमें दोस्तों, देखिएगा। उधर से देखिए रिपोर्ट आया है दोस्तों एनएसडीसी की तरफ से, 2018 से 24 तक टोटल यहाँ पर बताया गया कि 2018 से 19 में ओबीसी में 116, एससी में 51 और एसटी में 22। जनरल का भी आपको बताएं, चिंता मत करिए, हालांकि जनरल का भी मांगा गया था लेकिन उन्होंने जनरल का दिया नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे जनरल में भी कितने कैंडिडेट हैं। 2019 से 20 में 1375 ओबीसी, 625 एससी और एसटी, 260। 2020 से 21 में देखिए तो 3164, फिर एसटी में 1366, एसटी में 406। 21 से 22 में 2705 ओबीसी, एससी में देखिएगा तो 1006, एसटी में 281। 22 से 23 में 4103, 1552 एससी में, एसटी में 450। 23-24 में 5661 ओबीसी में, अब एसटी में 2558, एसटी में 653। देखिए 2024 से 25 में 1446 ओबीसी, 582 एससी और एसटी का, 193 है। ये डेटा अभी जो है वो काफी सारे अभी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जिसको ऐसे कम दिखाई दे रहा होगा, अभी जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये कैंडिडेट का इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो आपका दिखाई दिया टोटल ओबीसी एससी एसटी का डाटा, ठीक है। जनरल का भी आपको देखिए कैलकुलेट क्या किया गया है, तो टोटल ओबीसी में 18,570 है, जो कि और टोटल का देखिए तो 27%, 77-54 एससी में हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 15%, और देखिए 2263 जो है टोटल एसटी में है आपको, है टोटल 7.5%। टोटल जोड़िएगा तो ये कैटेगरी का जो डाटा है वो है 49.5%, जो कि 28,575 ये आपकी पूरी वैकेंसी है। इसके अलावा जो जो कैंडिडेट हैं, जो जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो टोटल कैंडिडेट यूआर के होंगे, ये तो रिजर्व कैंडिडेट हैं, इतने जो है रिजर्व कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी हो गए, और बाकी जो है 29,169 आपको जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 50.5% अगर निकाला जाए इसका, तो यहाँ पर 29,169 जो है यूआर में है,
टोटल देखिए 57,744 टोटल अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक घटा दिया है, तब यहाँ पर 57,744 टोटल देखने को मिल रहे हैं, ये एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों। इसमें देखिए वैकेंसी जब आएगी अक्टूबर तो चल ही रहा है, इस महीने में आ जाए अंत तक, या नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, इन सभी में तीनों में कभी भी आया तो मान लीजिए अभी भी हम जैसे कि आपको बताए हुए हम कि अभी करेंटली काफी सारे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अगर आप भी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये 2,000 मान कर चलिए या उससे अब भी मान कर चलिए, तो अभी मिनिमम यहाँ पर कैंडिडेट ने 2,000 माना है, ठीक है, ये 2,000 मान लेते हैं। 2018 से पहले 3 से 4 हजार लगभग अप्रेंटिसशिप किए होंगे इन्होंने माना है, तो टोटल अगर जोड़ा जाए तो 63,744 कैंडिडेट हो रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें मान लीजिए 2,000 बढ़ा लीजिए तो 65,000 इसमें आपके टोटल एग्जैक्ट कैंडिडेट हो रहे हैं। वैकेंसी कितनी भी आए दोस्तों, आपको इतने सारे कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप वैकेंसी पर निर्भर करता है कितना कटअप जाएगा, लेकिन लगभग आपको 65 से 70 हजार इससे अब नहीं, 4 लाख 3 लाख नहीं है दोस्तों, ये आप भी समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन 65 70 हजार आपके रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं। अब वैकेंसी डिपेंड करती है कि कितने बच्चों को नौकरी देगी, इतने में भी सभी बैठे ही रह जाएंगे कुछ हजार बच्चों को जॉब दे करके, ठीक है। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये एकदम 100% निश्चिंत वाली वीडियो थी कि इसके बाद आपको कोई नहीं जानना है कि कहाँ पर कितने या रिप्लाई आया हुआ है, कितने वैकेंसी आई हुई है, ये फाइनल था, ठीक है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइए, और आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होने वाले हैं सभी से रिलेटेड टेस्ट सीरियल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक दे दिए हैं। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, 90% अभी ऑफ चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो टेलीग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं।